हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये जो हमारा सेशन है एक्सपेक्टेड के जो रिवीजन सीरीज का पार्ट 27 है, और पार्ट 27 में हम लोग करेंगे जो भी हमारा प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं सवाल मीडिया वेल हिस्ट्री के, उन सवालों को करेंगे। लेक्चर नंबर 26 में हम लोगों ने किया था जो मीडिया वेल हिस्ट्री के पूछे गए सवाल थे, जो हम लोगों ने किया था, और जो बचा हुआ सवाल है वो आज के लेक्चर में पूरे कर लेंगे। तो ये दोनों लेक्चर 26 और लेक्चर 27 को अगर आप देख लेते हैं तो पूरे बीपीएससी प्रीलिम्स में आज तक जितने भी सवाल पूछे गए मीडिया वेल हिस्ट्री के वो आपका कवर हो जाएगा। और इसे क्या होगा कि कौन सा चैप्टर मीडिया वेल हिस्ट्री में ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ना है, कौन सा शासक को ज़्यादा पढ़ना है मीडिया वेल हिस्ट्री में, यहाँ से यह आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स फ्रॉम 45th बीपीएससी टू 66th प्रीलिम्स, ठीक है। मतलब ये 45वें बीपीएससी से लेकर 66वें बीपीएससी तक के पूरे आपको इस स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपको लगभग 40 क्वेश्चंस हैं तो आपको मीडिया वेल हिस्ट्री में पूछे गए। ये हमारा 45 डे रिवीजन सीरीज का पार्ट है, इस बात को पता होना चाहिए आपको, 45 डे रिवीजन सीरीज का पार्ट है, ओके। जिसमें हम लोग पूरा मिक्स जीएस कर रहे हैं, और अभी हमारा क्या चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर चल रहा है, ओके। तो मीडिया वेल हिस्ट्री के बाद तो कल का क्लास होगा वो हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट जेनिथ अंडर, सॉरी नहीं, ये तो हमारा पिछले क्लास का सवाल है, हम आज के सवाल करेंगे 25 के बाद। हम लोगों ने 25 सवाल किया था पिछले क्लास में, तो हम 26 से स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहस्तसिब वाज, मुहस्तसिब, देखिए मुगल प्रशासन पे सवाल आया है कि मुहस्तसिब क्या था। तो देखिए मुहस्तसिब जो था वो था एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स, मीन्स की जो क्या बोलते हैं, लोगों के नैतिकता को बताने के लिए, उनके देखरेख करने के लिए जो एक ऑफिसर था उसको मुहस्तसिब बोलते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, द इस्लामिक लॉ स्टेटेड दैट वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ किंग वाज टू अपॉइंट इंस्पेक्टर और सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स, मीन्स की सीधे इस्लामिक कानून में लिखा है, इस्लामिक लॉ में लिखा है कि राजा का एक कर्तव्य होना चाहिए कि इंस्पेक्टर को, मीन्स एक अधिकारी को वो अपॉइंट करे जो पब्लिक मोरल को देखे या सेंसर करे, ओके। इसीलिए कह रहा है कि मुहस्तसिब वर अपॉइंटेड टू रेगुलेट द लाइव्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, इसीलिए मुहस्तसिब की अपॉइंट किया गया, और किस चीज के लिए कि मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाए और लोगों के जीवन में उसे सही चल पाए, ठीक है। ही हैड टू चेक द प्रॉफिट कमांड अवर वे एंड द डेड पीपल डिड नॉट इन दैट मीटिंग, वही सेम चीज़ है जो अब होता ना कि इस्लाम में कौन चीज़ मना है, कौन सी प्रतिबंधित, उन चीज़ों को देखने के लिए। तो बोलो क्या बोला कि प्रॉफिट के कमांड को पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ओके, मोहम्मद के, और कहीं कोई जुआ में तो नहीं है, कोई शराब में तो नहीं है, या किसी तरह का सेक्सुअल इमोरलिटी में तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें मुहस्तसिब बोलते थे, ठीक है। फॉर्म 27 की ओर चलेंगे, कह रहे कि ऑल भक्ति सेंट, जितने भी आपके भक्ति संत हुए, ओके, नैनार हैं, अलवार हैं, ओके, उस समय जितने भी हुए थे रामानंद, ओके, तो रामानंद हो गए ये सारे, तो वो उसमें क्या सामान्य था, तो सामान्य वही था कि वो जितने भी अपने सुक्तियां या जितने भी अपने वो कविताएं वो जितने भी कंपोज करते थे वो उनके फॉलोवर के लैंग्वेज में, कि वो फॉलोवर उनको आसानी तरीके से, जैसे कि कैसे बुद्ध ने ज्यादा प्रभावित क्यों किया, क्योंकि बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए पाली भाषा में, उस समय का भाषा जो था, उस समय का जो लोगों का वहां पर के लोकल लैंग्वेज में, तो लोकल लैंग्वेज में चीजें कन्वे करने से क्या होता है कि लोग जल्दी समझ पाते हैं। अगर यही जितने भक्ति संत थे वो संस्कृत में चीजें करते तो सब लोग संस्कृत को नहीं समझ पाते, इसलिए वो ज्यादा कहने का मतलब है कि फेमस हुए, और उनका सबका यही था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर, ओके, इस बात को ध्यान रखिए। 27 नंबर सवाल का उत्तर यही था, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज आप पढ़ सकते हैं, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अलवार थे वो विष्णु के थे और नैनार थे वो शिवा के, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 28 की ओर, दारुल सफा क्या, मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक ने फ्री हॉस्पिटल बनवाया, दारुल सफा कराया, क्या वो कहलाया, वो दारुल सफा कराया, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसने सेपरेट डिपार्टमेंट गुलाम के लिए दीवान ने बंद काम, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए इसने बनाया, इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया, हक ए सर्व कर का टैक्स लगाया, इरीगेशन टैक्स लगाया, इसमें जितने भी नॉन मुस्लिम थे सब पे जजिया टैक्स लगाया, ओके,
मतलब बहुत सारे काम फिरोज शाह तुगलक ने पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क काम के, बहुत सारे कैनाल्स का निर्माण, बहुत सारे नहरों बेल्स का निर्माण, बहुत सारे सराय का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के ने दीवाने खैरात बनाया जो कि एक दान विभाग था। ओके, तो इस तरह चीजों को आपको याद होना चाहिए। 28 नंबर सवाल का उत्तर भी हो गया यहाँ पे। व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट, चुनार फोर्ट पे, चुनार के किले पे हुमायूं ने आक्रमण किया, उसको सीज भी कर लिया था। वो आक्रमण किया था हुमायूं ने 1532 में, लेकिन बाद में 1539-1540 में इसकी हार होगी। यहाँ पे लिखा हुआ कि नसीरुद्दीन हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा, ये तो पता होना चाहिए आपको। हुमायूं ने 1531 में पहले कलिंजर पे आक्रमण किया और उसने अफगान फोर्स को बैटल ऑफ दौरा में हराया 1532 में, और फिर उसने चुनार फोर्ट को अपने कब्जे में लिया अफगान चीफ शेर खान से 1532 में, जो शेर शाह सूर्या बोल सकते हैं। शेर सूर्य ने इसको हराया, फिर 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, फिर बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में हराया वो। किस तरह से हुमायूं भाग जाता है, फिर यहाँ से लाहौर चला जाता है। 1540-1555 तक शेर सूरी रहते हैं, मतलब मीन्स की सूरवंश रहता है। लिखा शेर सूरी की मृत्यु हुए थे 1545 में, फिर उसका बेटा मैंने बताया इस्लाम शाह जिसने अपनी सेना को 200-250 ईस्वी में बांटा था, वो इस्लाम शाह था, ठीक है, इस्लाम शाह था, और वो डाइड इन 1554। हुमायूं रिस्टोर हिज किंगशिप बाय डिफीटिंग सिकंदर शाह सूरी, जो लास्ट किंग है आपका शेर शाह सूरी वंश का या सूरी वंश का, सिकंदर शाह सूरी को हराता है। फिर उसके बाद फिर से हुमायूं आता है बैटल ऑफ सरहिंद में 1555 में, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं का इतना कहानी खत्म। हम चलेंगे आगे सवाल नंबर 36 की ओर। द वर्ड बटाई ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, देखिए बटाई क्या था। देखिए मध्यकालीन भारत की बात करें तो बटाई जो था एक तरह के सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, जितना भी आपका उपज हुआ उसका आधा मिस बटाई में एक हिस्सा होता था, उतना आपको देना पड़ेगा एज ए रेवेन्यू को, मतलब सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू हुआ। बटाई क्या है? सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक राजस्व वसूली करने का एक तरीका है, एक माध्यम है, तो बटाई कहलाता। बहुत सारे तरीके थे, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ये हमें लिखा हुआ, इसको गलबक्ची सिस्टम भी बोलते थे, गलबक्ची सिस्टम भी बोलते थे। ओके, और इस बात को दिखा रहे कि देखो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, जितने भी आपके सामान उत्पादन हो रहे हैं, उसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो राज्य के लिए और एक जो जिसको उसने उपजाए कल्टीवेटर के लिए, एक रेशियो होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हम चलेंगे आगे। 31 नंबर सवाल कहता है कि अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर, बंगाल और बिहार को अकबर ने अपने साम्राज्य में कब नहीं मिलाया। देखिए अकबर की बात करेंगे तो देखिए क्या लिखा कि सुलेमान खान कराने ने एक बंगाल बिहार उड़ीसा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ओके, सुलेमान खान करानी ने, लेकिन अकबर की स्वाधीनता को, इसकी सुजरेंटी को स्वीकार किया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बेटा दाऊद खान करानी ने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ओके, 1574 में अकबर ने पर्सनली खुद से इस मतलब बैटल का लीड किया, इस रिवोल्ट का लीड किया, और उसने बिहार को मतलब कहने का मतलब कि दाऊद खान करानी से बाहर मतलब कहने का मतलब कब्जे में ले लिया। फिर फतेहपुर सिकरी लौटा और मुनीम खान चार्ज को बंगाल का एक तरह से कह सकते हैं कि बंगाल कैंपेन का, बंगाल अभियान का इंचार्ज बना दिया मुनीम खान, फिर इस बाद में इसको गवर्नर ही बनाता बिहार का, ठीक है। फिर दाऊद को फिर लास्टली में हराया गया राजमहल के पास 1576 में। इस तरह से बंगाल और बिहार 1576 में अकबर के शासन का, अकबर के साम्राज्य के अंदर आ गए। 1576 इज द राइट आंसर। ओके, व्हेन ही अटैक किंगशिप ही वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत, मींस कहा कि जब जैसे उसने राजतत्व की प्राप्ति की, उसे शरीयत से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई कानून से मतलब नहीं। उसने बोला था कि शरीयत में क्या सही है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता के लिए जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे राज्य के लिए जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, लेकिन शरीयत में वो है या नहीं है डेट इज अनदर थिंग, मेरे मौत के समय मुझे क्या मिलेगी सजा वो नहीं। ये किसने बोला था, मैंने पढ़ा है आपको, बर्नी ने इसके बारे में बोला था, बर्नी ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला। अलाउद्दीन खिलजी शरीयत को मानता ही नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का तो ये था कि बोला कि मेरे पास चार खान हैं, ओके, और मैं एक नए धर्म की स्थापना करूंगा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का के बारे में बोला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, खलीफा का सहायक बोल दे, ओके, नयावत खुदाई बोल दे, खलीफा अल्लाह की परछाई बोल दे, तो ये सारे ये सारे कौन है, बलबन है, ठीक है, कौन है, बलबन, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। कहेंगे हम सवाल नंबर, यहाँ हम देख सकते हैं बर्नी के बारे में, बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था, इस बार वो दिखा रहा है। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। 33वां सवाल कर रहा है कि इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मुगल प्रशासन से कितना सवाल पूछा है,
मदद ए मस क्या था, मदद ए मस की बात करेंगे तो ये एक तरह से टैक्स फ्री लैंड था, जहां पे आपको राजस्व नहीं लगेगा। कोई भी विद्वान व्यक्ति, जितना भी राजा मतलब सुल्तान, जिस जिसको या बोल सकते हैं कि जिस जिसको सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पोएट हो, एनीथिंग, जो उसके दरबार में रह रहा है, जो भी विद्वान व्यक्ति, उनको जमीन दिया था, वो भी रेवेन्यू फ्री, तो उसको बोले थे मदद ए मस, मदद ए मस बोलते थे। इस बात को ध्यान रखेगा, ओके, देख सकते हैं आप। ओके, कह रहा कि और इस तरह के जो इस तरह के जो ग्रांट दिए गए फ्री के, उस ग्रांट को क्या लिखा हुआ, फ्री लैंड ग्रांट गिवन टू रिलीजियस मैन पैट्रनाइज बाय द मुगल रूलर, मतलब जो भी आपके धार्मिक लोग हैं उनको। और इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट था, सदर उसूदर, क्या नाम है, सदर उसूदर था, जो इन ग्रांट को देखते थे। ओके, और दिस लैंड ग्रांट डिडंट गिव लैंड राइट टू रिसीवर बट ओनली, मीन्स कहने का मतलब है कि आपको जैसे ठीक है, आप मान लेते कि एक धार्मिक गुरु है, उलेमा है, और आपको जमीन दिया गया, तो आप इस पे केवल टैक्स जो भी आएगा वो टैक्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको किसी को बेच सकते हैं, इस तरह से चीजें नहीं हो सकता है। ओके, और ये हिंदू रहे मुस्लिम रहे, दोनों को इस तरह की चीजें मिलती थी जो भी मतलब सुल्तान को लगे। तो ये 33 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। हु इलस्ट्रेटेड दस्तन ए अमीर हजमा, दस्तन ए अमीर हजमा का चित्रण किसने किया, पेंटिंग से संबंधित है, और इसका अगर हम चित्रण की बात करेंगे, अब्दुल समद ने किया, कितने किया, अब्दुल समद ने किया था, अब्दुल समद, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब्दुल समद ने किया था। ओके, अब्दुल समद और सैयद अली जो है वो हुमायूं के साथ इंडिया आए थे और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत किया। हुमायूं ने उसको एक काम दिया कि आप जो दस्तन अमीर हजमा बुक जो है उसको 12 वॉल्यूम है, उसको आप पिक्चर में चित्रण करिए। ओके, और उसमें अमीर हजमा की कहानी बताते, अमीर हजमा कौन थे, अंकल ऑफ प्रॉफिट, मीन मोहम्मद साहब के चचा थे, तो उसका उसके कहानी को चित्रण कीजिए। ओके, हम ये लिखा, हाउएवर दिस वर्क कुड नॉट बी कंप्लीट इन द रेन ऑफ हुमायूं के समय, सारे कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन अकबर के समय सारे कंटिन्यू रहे अब्दुल समद और सैयद अली तबरीजी के द्वारा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्दुल समद और मीर सैयद अली तबरीजी जो है इसका दोनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो नन ऑफ द एबव इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीर सैयद अली लिखा हुआ है, यहाँ पे तबरीजी लिखा रहा था, तो सॉरी यहाँ पे मैंने टैप नहीं कर पाया, मैंने देखा नहीं। चलिए, तो इस सवाल का ऑप्शन दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 35 नंबर सवाल कहता है कि हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू, मैं ये बता चुका हूँ सल्तनत काल में किस तरह से चौधरी मुख 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 खुद मुकदमे सारे होते थे, चौधरी खुद मुकदमे से जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे गाँवों से, तो सबसे हाईएस्ट जो था वो था चौधरी था। मैंने बताया था कि जब जब आएगा अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो सारे सबका हटा देगा, ठीक है, डायरेक्टली टैक्सेस लिया जाएगा, तो ये सारे चौधरी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए लिखा हुआ चौधरी है, खुद है, मुकदम, मैंने जैसे बोला वही सब चीज है, मुकदम है गाँव का जो मेन मालिक हो गया, जमींदार है कि 4-5 गाँव का, परगना का चौधरी हो गया। ओके, उन्हीं के पास हाईएस्ट रियल अथॉरिटी होता था कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। ओके, 36 नंबर सवाल कहता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश की स्थापना, तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई, तो ध्यान रखिएगा तैमूर के आक्रमण जो हुआ था, आप ये देख सकते हैं कि जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था उसके समय में हुआ था, इन 1494 आई थिंक, और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो वंश के स्थापना हुए थे सैयद डायनेस्टी, कौन था, सैयद डायनेस्टी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं 1398 में, ये मुझे मिस्टेक हो गया, तो ये 1398 में अटैक किया तैमूर लंग ने, और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे शासक, और इस तरह से तुगलक वंश का एक तरह से पूरा डिक्लाइन हो गया, और फिर खिजर खा नए राजवंश की स्थापना की और वो बना सैयद डायनेस्टी। खिजर खा इसकी बात याद करेंगे, इसने हेल भी किया था तैमूर लंग का। ओके, द खलजी डायनेस्टी फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, तो ये तो आपको पता है, ये 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 37वां सवाल कहता है कि हु अमंग फॉलोइंग सुल्तान हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव, फिर सेम चीज, सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास रहेगा, जिसने गुलाम गुलाम के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी, वो है आपका फिरोज शाह तुगलक है, कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। 38वां सवाल कह रहा है किसने सुल्तान ने रोजगार देने के लिए बेरोजगारों को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया या दिया, तो ये काम फिरोज शाह तुगलक का, इसका काम है फिरोज शाह तुगलक का है। ये भी सवाल हो गया आपका 38 नंबर सवाल। 39वां सवाल कहता है पिटरा डोरा क्या, मैंने एक परसों में बताया था कि जहांगीर के समय स्टार्ट हुई एक तरह की
एक तरह का आप बोल सकते हैं आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ, पेट्रा ड्यूरा इसको प्राचीनकारी बोला गया, प्राचीनकारी बोला गया। इसमें क्या होता कि इसकी जो अर्ध कीमती जो पत्थर थे उससे छोटे छोटे मतलब संगमरमर पे मतलब उसको चिपका चिपका के फूलों के डिजाइन को मतलब तैयार किया जाता था। मीन्स की अर्ध कीमती पत्थरों से बने फूलों के डिजाइन से दीवारों को सजाना, ये था इसको बोलते थे पीटरा डूरा। ये सवाल बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, पीटरा डूरा एक तरह का इटालियन है, हार्ड स्टोन का मतलब होता है पीटरा डूरा। मीन्स आप हिंदी इंग्लिश से पीटरा डूरा यहाँ पे लिखे, इटालियन शब्द है लेकिन ऐसे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राचीनकारी बोलते हैं। ओके, जो हार्ड रॉक से बना होता है, प्राचीनकारी या प्राचीनकारी भी बोलते हैं इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें है कि इनले टेक्निक है यूजिंग कट एंड फिटेड, इसमें छोटे छोटे चीजों को कट कर करके और उसको फिट करते थे और बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाते थे, जैसे ऐसे करके बना दिए, ऐसे करके कोई डिजाइन तैयार कर दिए, जिसको पीटरा डोरा बोलते थे। शाहजहां के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। ओके, जहांगीर के समय स्टार्ट हुआ, शाहजहां के समय पॉपुलर हुआ और इसलिए शाहजहां ने ताजमहल में कहीं कहीं पीटर डूरा का इस्तेमाल किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना। 39 नंबर सवाल का उत्तर डी होगा। ओके, 40 नंबर सवाल कहता है कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी प्रोपोनेंट एटॉमिक, देखिए उसकी परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया। देखिए परमाणु सिद्धांत का अगर हम बात करेंगे तो कनाद के द्वारा किया गया, महर्षि कनाद के द्वारा, जो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। तो वैशेषिक की बात करेंगे, वैशेषिक की बात करेंगे, इसने ही परमाणु का सिद्धांत दिया, ठीक है, योग पतंजलि। ओके, न्याय गौतम, सांख कपिल, उत्तरी मीमांसा या पूर्वी मीमांसा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा ये कमेंट करके आपको बताना है कौन इसके संस्थापक थे। ओके, उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा सारे आपके जो सिक्स दर्शन है कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 41 की। सवाल नंबर 41 यहाँ पे लिखा हुआ है कि महर्षि कर्नाड है, उसने बेसिस स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना की और उसने इंडियन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने ही प्रपोज किया। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको अगर हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं स्मॉलर पीस में, तो एक समय आएगा कि पूरा मतलब कि उससे फिर आगे आप नहीं तोड़ सकते, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे कि आप पता होगा होना चाहिए कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं और विभाग, ठीक है, उसका पार्ट होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, लेकिन उसको और हिस्सों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कनर्ड ने पहले ही मेंशन किया था। ओके, 41 नंबर सवाल है कि मुगल कौन सा मुगल शासक था जिसने कारखाना फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए कारखाने का निर्माण करवाया। देखिए पेंटिंग के लिए कारखाने का निर्माण करवाने की बात कहेगा, सबसे ज्यादा पेंटिंग स्टार्ट का हुआ हुमायूं के समय में, पेंटिंग अपनी सर्वोत्कर्ष पे का पूछा जहांगीर के समय। अगर हम बात पूछा कि यूरोपियन पेंटिंग कब आया मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, तो अकबर के समय में। अब कारखाने किसने बनवाया पेंटिंग के लिए, तो अकबर ने बनाया। तो ये तीनों चीज आपका कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा सवाल बाहर नहीं आया, ठीक है। 42 नंबर सवाल कहता है कि रक्त एवं लौह नीति, रक्त एवं लौह नीति जो अपनाया वो अपनाया बलबन ने, बलबन ने अब कहीं ना कहीं खलीफा के पद को बहुत ही प्रतिष्ठित बनाया। ओके, जिले इलाही की बात करता है, नियावत खुदाई की बात करता है, उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया, जो भी इसके खिलाफ रहे उसको एकदम सीधे खत्म कर दो। तो 42 नंबर सवाल का उत्तर बलबन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 43 नंबर सवाल कर रहा है कि विच मिडाइवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इट वाइड स्पीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के लिए कौन जाना जाता है। सिंपल शब्द है चोला, चोला जो है ग्रामीण सभा के लिए जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, अपने नेवी नेवल फोर्सेस के लिए जाना जाता है चोला गवर्नमेंट। तो चोला गवर्नमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो इतना ही सवाल अभी तक बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है मेडाइवल हिस्ट्री में, चाहे 45वें बीपीएससी से लेके मैं 66 बीपीएससी तक की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं नहीं गया हूँ। ओके, तो इतना में अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैंने आपको सारा करवा दिया। अब हम कल के वीडियो में मिलेंगे, कल का वीडियो जो हमारा होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री का एटलीस्ट 3 से 3 वीडियो ऊपर आएगा तभी हमारा पूरा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल बहुत भरे पड़े। फिर मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही हमारा होगा तो फिर हम पहले पहले बात करेंगे ज्योग्राफी की, फिर इकोनॉमिक्स की, देन पॉलिटी, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल की, तब ये सारे आपके 6 से 7 लेक्चर और लगेंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं कल के वीडियो में, आपको पसंद आया हुआ वीडियो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ओके, और उसको पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, ये सारे पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, एक दिन टाइम मिलेगा मुझे, मैं फ्री रहूंगा पूरा,
तो सारे पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी, इसके लिए आपको ऐप पे सारा चीज मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।